राजधानी रांची में विरोध प्रदर्शन के दौरान बुजुर्गों और युवाओं ने फादर स्टेन स्वामी की मौत की न्यायिक जांच की मांग की और यूपीए कानून को रद्द करने की मांग की। शहीद चौक से राजभवन तक मार्च कर पहुंचे वामपंथी और सामाजिक संगठनों ने केंद्र सरकार पर इस दौरान हमला बोला। प्रदर्शन में शामिल सीपीआईएम की वृंदा करात ने कहा कि फादर स्टेन स्वामी का हत्यारा सिर्फ और सिर्फ एनआईए है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने यूएपीए को काला कानून करार देते हुए उसे रद्द करने की मांग की। इस प्रदर्शन में वाम दलों के अलावा लगभग 16 संगठनों के सदस्य शामिल रहे। वहीं प्रदर्शन में शामिल बगोदर विधायक विनोद सिंह ने कहा कि रघुवर दास की सरकार इन्हीं मुद्दों की वजह से गिरी। ऐसे में राज्य सरकार को इस मामले पर पहल करनी चाहिए। बंद किया जा रहा है, इसलिए हम फादर स्टैन स्वामी को शहीद मानते हैं और हमने डिमांड की देश भर में लेफ्ट पार्टीज के द्वारा और अन्य संगठनों जो जुड़े हैं कि उसकी न्यायिक जांच हो, जितने भी राजनीतिक बंदी हैं उन सब की रिहाई हो और विशेषकर झारखंड में जिन आदिवासियों की रिहाई के लिए फादर स्टैन स्वामी का पीआईएल अब भी है हाईकोर्ट में, उसके आधार पर हेमंत सोरेन सरकार की एक जिम्मेदारी है कि वो उसमें पहलकदमी करके जो बीजेपी ने निर्दोष लोगों को बंद करके रखा है। आप देख ही रहे हैं कि आज जिस तरह से कोविड और कोरोना प्रोटोकॉल का ये करके तमाम चीज़ें हो रही है, लेकिन जहां सरकार की गलत नीतियों का विरोध हो, सरकार की निरंकुशता का विरोध हो, सरकार के फांसीवाद का विरोध हो, तो कोविड आ जाता है। लेकिन उसी कोविड का हवाला दे करके भी जो है कोविड से पॉजिटिव थे फादर स्टेन स्वामी, पार्किंसन के मरीज थे और 63 साल के व्यक्ति को जिनका अधिकार था जमानत देने के बजाय उनकी जान ले ली गई। इसलिए इसकी पूरी जो है जाँच होनी चाहिए और जो लोग उनके ऊपर जान लेने के दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। स्टैन के साथ जो भी अन्याय हुआ है वो पूरी ज़िंदगी अपनी झारखंड के आदिवासियों और तमाम जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए वो काम करते आए हैं। जो भी हमारे 5th शेड्यूल में हमें राइट्स दिए गए हैं उनका उल्लंघन किया जाता है। फादर हमेशा उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए वो खड़े रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भीमा कोरेगांव के झूठे केस के तहत उन्हें जेल में बंद किया गया विदाउट एनी कोर्ट ट्रायल्स, बिना किसी सुनवाई के, और उन्हें यहाँ तक कि उन्हें एक पानी पीने के लिए भी उन्हें नहीं दिया गया। तो हमारी बस यही मांग है कि फादर स्टैन स्वामी के जो भी जवाबदेही दोषी हैं उनको सजा दी जाए, एनआईए इसका जवाब दे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।